चैप्टर का नाम है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंस। तो प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्या होता है, ये चैप्टर क्यों करते हैं हम लोग? ये चैप्टर इसलिए किया जाता है क्योंकि ओवरहेड का मतलब है एक्सपेंस। अब दो तरीके का हम लोगों का डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, दो तरीके का डिपार्टमेंट है अपना। अब क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सोचो हम लोगों का मोबाइल कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हम लोग मोबाइल बनाते भी हैं और उसका सर्विस सेंटर भी खोलना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल का अगर हम लोग सर्विस मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका सर्विस सेंटर खोलना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोचो सैमसंग का अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो हम लोग क्या किए हैं, एक फ्लोर लिए हैं। एक फ्लोर में टोटल 8 रूम है, उसमें से 6 रूम में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और 2 रूम में हम लोग सर्विस देते हैं। तो अब जब हम लोग का सोचो वो जो फ्लोर है वो हम लोग रेंट में लिए हैं, तो हम लोग रेंट पे करते होंगे। उसके बाद हम लोग का लाइटिंग का खर्चा होगा, हम लोग का वहां पर एम्प्लॉई रखे हैं तो एम्प्लॉई का खर्चा है। अब हम लोग के पास एक बार में दिया हुआ है, रेंट देते हैं 10,000, सैलरी देते हैं एम्प्लॉय को 20,000, इलेक्ट्रिसिटी भरते हैं 25,000। पर ये किस डिपार्टमेंट के लिए कितना देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना देते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कितना देते हैं, ये तो हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को एक साथ पता है कि हम लोग रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, पर कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना देते हैं ये हम लोगों को पता नहीं है। तो इस रीजन से हम लोगों को ये अपोर्शन करना पड़ता है, प्रोडक्शन में कितना लग रहा है, सर्विस में कितना लग रहा है, ये हम लोगों को अपोर्शन करना पड़ता है। तो ये चैप्टर में हम लोग सारे ओवरहेड को अपोर्शन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में। तो सम कैसा होता है देखो, इलस्ट्रेशन 1, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। ये बहुत सारा खर्चा दिया हुआ है, रेंट, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एनर्जी, सुपरविजन। और नीचे हम लोग को बता रहा है कि हम लोगों का 4 डिपार्टमेंट है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट, वीविंग डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। और नीचे बहुत सारा हम लोग को बेसिस दिया है, मतलब फ्लोर स्पेस, मतलब स्पिनिंग के लिए कितना फ्लोर लगता है हम लोग को, 300 स्क्वायर फीट, वीविंग करने के लिए 220 स्क्वायर फीट, ऐसा करके नंबर ऑफ वर्कर इस डिपार्टमेंट में इतना है, टोटल डायरेक्ट वेजेस इतना लग रहा है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इतना है, स्टॉक ऑफ गुड्स इतना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट। तो ऊपर जितना भी खर्चा है उसको हम लोग को चारों डिपार्टमेंट में बांटना है, रेंट किस डिपार्टमेंट में कितना लगा, ऊपर तो रेंट टोटल दे दिया है 4,000, पर किस डिपार्टमेंट में रेंट कितना लगा ये हम लोग को बांटना है। तो हम लोगों का टोटल 4 डिपार्टमेंट था, कॉलम बनाए हैं 6, हमेशा 2 एक्स्ट्रा बनाना। तो लिखो इलस्ट्रेशन 1, ठीक है, चैप्टर का नाम है ओवरहेड। यहां लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ तो स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। हम लोग को यहाँ पर ओवरहेड को अपोर्शन करना है, अपोर्शन मतलब बांटना है। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे चारों डिपार्टमेंट का नाम लिख दो। पहला था हम लोगों का स्पिनिंग, दूसरा है वीविंग, तीसरा था स्टोर्स,
और फिर था टाइम कीपिंग। ठीक है, सबसे पहला खर्चा था रेंट, फिर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एनर्जी, फिर सुपरविजन। अब इसमें मेन टास्क हम लोगों का क्या हो जाता है, एक्सपेंस लिखने के बाद सबका बेसिस याद रखना होगा, कौन किस बेसिस पे बटेगा। रेंट बटता है फ्लोर स्पेस पे, तो ये हम लोगों को लर्न रखना होगा। तो रेंट का है फ्लोर स्पेस, मेंटेनेंस का रहता है कॉस्ट ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन का भी होता है कॉस्ट ऑफ मशीन, लाइटिंग का होता है फ्लोर स्पेस, इंश्योरेंस का होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। हम सिर्फ स्टॉक लिख रहे हैं। कंट्रीब्यूशन का होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का डायरेक्ट वेजेस, एनर्जी का होता है कॉस्ट ऑफ मशीन, सुपरविजन का नंबर ऑफ वर्कर्स, अब हम लोग को मैम क्या करना है। अब ये पूरा लिखने के बाद हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलता है देखो, फ्लोर स्पेस का रेशियो कैसे निकलेगा। हम लोग पहले फ्लोर स्पेस के इसमें जाएंगे, तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है 300, 220, 180 और 100, इसको सबसे छोटा फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो 300, 220, 180 और 100 का हम लोग को काट काट कर रिड्यूस करके सबसे छोटे फॉर्म में लेकर जाना है। रिड्यूस करना है से क्या मतलब, हम लोग का क्या दिया हुआ है, 300 इस टू 220 इस टू 100, 180 और 100 ऐसे दिया है। इसको छोटा करना है, सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो बनाना है, जो बेसिक मैथ्स है। हम कैसे करते हैं, सारे जीरोस को काट दिए, तो बचा क्या, 30, 22, 18 और 10, इसको 2 के टेबल से सब कट जाएगा। तो पहला होगा 15, ये होगा 11, ये होगा 9, ये होगा 5, इससे छोटा ये नहीं हो पाएगा। तो रेशियो क्या बन गया, 15:11:9:5, तो इसको हम लोग वहां पर लिख देंगे। अब इसको ऐसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अब जहां जहां फ्लोर स्पेस है वहां का रेशियो तो निकल गया, तो यहाँ का भी निकल गया 15:11:9:5, और कहीं पे फ्लोर स्पेस नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन का क्या है, 48,000, 36,000, 24,000 और 12,000। तो तीन तीन जीरो पहले काट देंगे, तो बचेगा 48, 36, 24 और 12। तो 12 के टेबल से सारा चला जाएगा, तो 4, 3, 2, 1। मैम आपने लाइटिंग का क्यों लिया? फिर यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन का निकाल लिए, 4, 3, 2, 1। तो जहां जहां कॉस्ट ऑफ मशीन है सबका 4, 3, 2, 1 ही रेशियो आएगा। इसका भी हम लोग इतना कर लिए।
अब इसके बाद आता है हम लोगों का स्टॉक। स्टॉक का भी रेशियो निकालना होगा। तो स्टॉक हम लोगों का कितना था, 30,000, 18,000, 12,000। तो तीन तीन जीरो अगेन रिड्यूस कर दे तो 30, 18, 12। 30, 18, 12 एक साथ किस टेबल में आएगा, थ्री के टेबल में। तो 30, 18 और 12 थ्री के टेबल में आ जाएगा। 10, 6 और 4 इस तरह आ जाएगा, पर ये 2 से फिर जाएगा। तो 5, 3, 2, तो इसका रेशियो क्या बना, 5:3:2। तो इसका भी हम लोगों ने लिख लिया। अब लास्ट बचा है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हम लोग का नंबर ऑफ वर्कर्स का आ गया 6,4,3,2। अब करना क्या है, अब सबका हम लोगों को टोटल दिया हुआ है, रेंट कितना है 4,000। तो सभी का अपने अपने अमाउंट को टोटल में लिख दो। अब हम लोगों का काम क्या बचा है, इस 4,000 को इस रेशियो में सब में डिवाइड कर दो। 4,000 को 15:11:9:5 में चारों में डिवाइड कर दो। अब हम लोग देख रहे हैं इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 में बेसिकली क्या है, इलस्ट्रेशन 2 के लिए लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। यहाँ पे हम लोग को अच्छे से दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। हम लोगों का 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। और खर्चा वही, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट वैल्यू, लाइट पॉइंट्स, एरिया। और उसके बाद एक्सपेंसेस नीचे दिया है, इसमें ऊपर बेसिस दे दिया है, नीचे एक्सपेंस दिया है। लास्ट सम में ऊपर एक्सपेंस दिया था, नीचे बेसिस दिया था, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वेयर, इसमें 8 एक्सपेंस दिया है, पावर, लाइटिंग, स्टोर्स, वेलफेयर टू स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जनरल ओवरहेड, रेंट एंड टैक्सेस। तो इसमें हम लोग टोटल 5 कॉलम बनाएंगे क्योंकि 5 डिपार्टमेंट है, और 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे टोटल और बेसिस के लिए। तो करते हैं, इसमें अगर हम लोग को क्लियरली बोल दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, सर्विस डिपार्टमेंट भी है, तो फॉर्मेट कैसे बनेगा। ऐसे पहला रहेगा पर्टिकुलर्स, दूसरा तो बेसिस, ये टोटल, और यहां लिखेंगे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग नाम लिखेंगे। अब यहां पर ये बना लेने के बाद, हाँ, इसके बाद हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, जिसमें प्रोडक्शन और सर्विस ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, उसमें ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखो इलस्ट्रेशन 2। तो ये हम लोग लिखती है स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वही सारे खर्चे को नीचे नीचे लिखो। हाँ, तो ये सारा फिगर्स है, बेसिस लिख दिए और रेशियो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद एसेट वैल्यू का ये रेशियो हुआ, डायरेक्ट वेजेस का ये रेशियो, एरिया का ये रेशियो। अब हम लोग लिखेंगे सबका टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट अगर लिखते हैं, टोटल अमाउंट अब सबका लिखते हैं, तो
टोटल हम लोग को एक्सपेंस के ही कॉलम में नीचे मिल जाएगा, तो सबका टोटल लिख लेंगे। पावर का है 2200, लाइटिंग का 400, स्टोर्स का 1600, वेलफेयर का 6000, उसके बाद डेप्रिसिएशन का 60000, रिपेयर्स का 12000, जनरल ओवरहेड 24000 और रेंट 1100। अब इन सारे एक्सपेंस को हम लोग इस रेशियो में, जो रेशियो अभी हम लोग निकाले, इस रेशियो में हम लोग 2200 को इस रेशियो में सब में बांट देंगे। देखो जब भी सम में, अभी पहले सम में और इस सम में डिफरेंस क्या है, पहले सम में हम लोगों को कोई डिपार्टमेंट मेंशन नहीं किया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है कि सर्विस डिपार्टमेंट है, सिंपली बस डिपार्टमेंट दे दिया था। तो हम लोग डायरेक्ट नाम का कोई भी खर्चा को नहीं लिए, मतलब इसमें था ना एक, इसमें एक डायरेक्ट वेजेस था, वो डायरेक्ट वेजेस हम लोग नहीं लिए। जैसा कि हम दिखाते हैं इसमें, इसमें हम लोगों का नीचे जो बेसिस दिया था, फ्लोर स्पेस, नंबर ऑफ वर्कर, उसके साथ टोटल डायरेक्ट वेजेस भी दिया था। हम इस डायरेक्ट वेजेस को लिए ही नहीं, जबकि ये भी एक खर्चा है, डायरेक्ट वेजेस भी एक खर्चा है, पर हम इसको लिए ही नहीं, क्योंकि इसमें बताया ही नहीं था कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है। पर ये वाला जो अभी सम है, ये सम में हम लोग को क्लियरली बोल रहा है कि तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर बता देगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट है, तो फिर यहाँ पर जो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, ये सब है, ये दोनों खर्चा भी हम लोगों के टेबल में आएगा। तो पहला बात तो हम लोग ये दोनों खर्चे को भी यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इसका जवाब हम दे चुके हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली बता रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट है, ये बोल रहा है, इसलिए हम लोग इसमें अभी लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। अब इसका कोई बेसिस नहीं होता है, क्योंकि ये तो बांट के ही दिया है, तो हम लोग लिखेंगे गिवेन। इसमें हम लोग सिंपली लिख देंगे गिवेन, क्योंकि ये बांट कर ही हम लोगों को दिया है, और ये दोनों जो होता है, ये दोनों सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में ही जाता है, ये लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आता है। तो ये लोग का हम लोगों को पांचों दे दिया है। जैसे डायरेक्ट वेजेस देखें तो हम लोगों को डायरेक्ट वेजेस तो पांचों का दे दिया है, पर हम लोग सिर्फ किस दो का लिखेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट में ही लिखेंगे। देखो हम लोग को डायरेक्ट वेजेस दे दिया है 30000 और 60000, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का लेंगे, एक्स और वाई का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट नाम का कोई खर्चा नहीं आता, तो सर्विस डिपार्टमेंट का 30000 और 60000 लिखेंगे। तो डायरेक्ट वेजेस में हम लोग लिखेंगे 30000 और 60000। अब वैसे ही डायरेक्ट मटेरियल का भी हम लोगों को दोनों का दिया हुआ है 44000, 45000। और इन दोनों को ऐड करके टोटल में लिख देंगे, दैट इज 90000। और 44000 प्लस 45000 इज 89000। अब हम लोग नॉर्मली टोटल कर लेंगे अपने अपने कॉलम को, इसको हम लोग नाम दे देंगे, जैसे टोटल ओवरहेड पहले दिए थे वैसे ही अभी टोटल ओवरहेड। बट अब ये सम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट हम लोग को दोनों दिया था, इसलिए इस सम के आगे भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे देखो, देखो अल्टीमेटली सर्विस डिपार्टमेंट अपने अंदर कोई खर्चा नहीं रखता है, सर्विस डिपार्टमेंट अपना सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांट देता है और खुद को नील कर देता है, कोई खर्चा अपने अंदर नहीं रखता है। तो कैसे देगा, किस तरह देगा सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, इसके लिए नीचे लिखा है अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। वाई का जो खर्चा है, वाई एक सर्विस डिपार्टमेंट है, और वाई का जो खर्चा है
वो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में तीनों डिपार्टमेंट को दे देगा, एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, और एक्स अपना सारा खर्चा 5:3:2 के रेशियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। ये जो दोबारा हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करते हैं, इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसलिए हम इसको नाम दिए थे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सर्विस जो अपना खर्चा प्रोडक्शन को देगा उसको बोलेंगे स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम लोग सिंपली ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें पांच पांच डिपार्टमेंट है तो सिंपली पांच कॉलम बनेगा। प्राइमरी की तरह उतना फॉर्मेलिटी नहीं है, सिंपली पांच डिपार्टमेंट है तो पांच कॉलम बनाओ। अब इसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड टोटल ओवरहेड। ब्रॉड फॉरवर्ड को पूरा स्पेलिंग में नहीं लिख के सिर्फ बी एफ लिखा जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड टोटल ओवरहेड। एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, और ऊपर जो ए बी सी एक्स वाई का टोटल आया था अभी उसको नीचे लिख देंगे। अभी ऊपर हम लोग जो टोटल किए थे उसको नीचे लिख दिए। अब क्या बोला था, एक्स का जो खर्चा है वो 5:3:2 के रेशियो में ए बी सी को दे दो, तो दे देंगे। तो अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ एक्स इन द रेशियो 5:3:2। अब जो एक्स का एक्सपेंस था 82,100, उसको ए बी सी में इस रेशियो में तीनों को दे दो। अब नॉर्मली जब 82,100 को हम लोग उन तीनों में बांट दिए तो अब ए बी सी का एक्सपेंस बढ़ जाएगा, और एक्स तो अपना सारा खर्चा उन तीनों को दे दिया, तो एक्स का कुछ नहीं बचा, नील हो गया, और वाई का उतना ही रह गया 1,15,000। तो अभी पहले इन तीनों का अपना अपना प्लस करो। अब सम में बोला था वाई भी अपना सारा खर्चा ए बी सी को दे देगा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, तो अब वाई का टर्न है, वाई बांटेगा, तो लिखो। अब डायरेक्ट वेजेस रेशियो का क्या हम लोगों का था, डायरेक्ट वेजेस का, तो अब डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है 2:3:4। तो अब वाई का खर्चा कितना था, 1,15,000। 1,15,000 को 2:3:4 के रेशियो में ए बी सी को दे दो।
अब जब हम लोग 1,15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वाई में भी कुछ नहीं बचा, वाई भी नील हो गया, और हम लोग का यही ऑब्जेक्टिव था कि एक्स और वाई को नील करना है, तो फाइनली एबीसी का टोटल निकल जाएगा। तो फाइनली अब हम लोग का टोटल ओवरहेड कितना आ गया, ये हम लोग का टोटल ओवरहेड हो गया।